यादव निरहुआ का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना अब तय हो चुका है। जी हां, अब वो उतरेंगे चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के खिलाफ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चुनाव लड़ेंगे निरहुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? तो चलिए हम किस लिए है? हम बताते हैं आपको कि सबसे ज्यादा फायदा किसी और का नहीं होगा, खेसारी लाल यादव का। जी हाँ, जिस जॉनर की फिल्में इन दिनों निरहुआ कर रहे हैं उसी जॉनर की फिल्में खेसारी लाल यादव भी कर रहे हैं। अब अगर दिनेश लाल यादव राजनीति को अपना करियर बनाने जाएंगे तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जब वो राजनीति में अपना करियर जमाएंगे तो उन्हें फिल्मों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। भाई, दो में से एक ही चीज आप चुन सकते हैं, या फिर राजनीति या फिर सिनेमा। क्योंकि आपने कई बार इंटरव्यूज में ये सुना होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि वो अब देश सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए उनके अंदर बहुत ही बड़ी देशभक्ति है। अब उस अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए उन्हें लोक सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अगर वो लोक सेवा करेंगे तो फिल्मों में क्या करेंगे? फिल्मों में वो कुछ नहीं करेंगे, तो उनकी फिल्में किसके हाथ लगेगी? किसी और के नहीं जनाब, खेसारी लाल यादव के। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ही वो शख्स है जो कि निरहुआ की रिप्लेसमेंट है। और इन दिनों खेसारी लाल यादव की कई फिल्मों पे निरहुआ ने और निरहुआ की कई फिल्मों पे खेसारी लाल यादव ने अपना कब्जा जमाया था। और अब खेसारी लाल यादव के लिए ये राह आसान हो गई है कि वो निरहुआ की बैक टू बैक जितनी भी फिल्में हैं उसको साइन करे और भोजपुरी इंडस्ट्री को और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन फिल्में दे। अब इसमें सबसे बड़ा घाटा किसका होगा? भाई, किसी और का नहीं, आम्रपाली दुबे का। आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ दोनों एक फिल्म में होते थे तो उस फिल्म की जान हुआ करते थे। जब निरहुआ ही फिल्मों में काम नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति जब निरहुआ करेंगे तो फिल्मों में काम करेंगे नहीं। अगर फिल्मों में काम नहीं करेंगे तो उनकी जोड़ीदार आम्रपाली दुबे का क्या होगा? वैसे भी आम्रपाली दुबे खेसारी लाल यादव के अपोजिट तो आ नहीं सकती। ऑलरेडी काजल राघवानी ने वो जगह अपने लिए पैक कर ली है। और अब बचे पवन सिंह। तो भाई, पवन सिंह इन दिनों लुलिया यानी निधि झा के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है फिल्में करने में, और अब वो नए नए चेहरों के साथ काम करना अपने आप के लिए ज्यादा परफेक्ट समझते हैं। वैसे हम यहां आपको बता दें कि पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के लिए सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि पवन सिंह ने ये साफ कर दिया है कि वो फिल्मों में अभी भी डटे रहेंगे और लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे, और लोक सेवा दिनेश लाल यादव निरहुआ करेंगे और प्रचार प्रसार खेसारी लाल यादव भी कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए खेसारी लाल यादव उनकी पहली पसंद बने हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर राजनीति पारी निरहुआ बड़े ही बखूबी से खेल जाते हैं तो आगे आने वाली जो फिल्में हैं उनकी, उनका क्या होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।